होप करता हूं कि आप सब खुश होंगे और लॉकडाउन में सब सेफ होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है, ये जो मेरा व्लॉग है इसमें मैं आपको मेरी खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि हमारे घर में एक नया मेंबर आने वाला है। आज मैं हमारा नया डॉग लेके आऊंगा, नया पपी लेके आऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कौन सी ब्रीड लाऊंगा, वो आप वीडियो में आगे देखना। ये आप सबके लिए सरप्राइज है और मेरी मदर के लिए भी सरप्राइज है, तो ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। पर मेन बात जो है कि मैं ये डॉग कैसे ला रहा हूँ, इसके पीछे रीजन कि मतलब मेरा कोई मूड नहीं था कि ये मैं डॉग ले हूं। पर वो ऐसा होता है ना कि हमारे देशियों की भाषा है कि एक बार जब नजर आ गई, नजर में आ गया कि ये लेना है तो लेना ही लेना है। वो वाली बात हुई है कि एक बार देखा और देखते ही पसंद आ गया तो फिर लेना ही लेना है, तो ये चीज हुई है। अभी चलते हैं, अभी मैं अपने घर पे हूँ, अब स्टार्ट करते हैं। कार में मेरे फादर और मेरी सिस्टर भी चलेंगे और हम वहां जाके मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा व्लॉग। तो अब हम जाने लग रहे हैं हमारे पप्पी को लेने, वहाँ पे फार्म हाउस है जो वहां से लेके आएंगे। हम किसी पेट शॉप से नहीं लेके आ रहे, डायरेक्ट ब्रीडर से लेके आएंगे, जो मैं पहले ही प्रमोट करता था कि किसी ब्रोकर से मत ले हो। आप जो अपना डॉग है वो अपने किसी ब्रीडर से ले हो जो एक जेन्युइन ब्रीडर है, उसकी मदर देखो, फादर देखो और फिर वो अपने पप्पी ले हो। तो अब हम उसके फार्म पे जा रहे हैं जिस ब्रीडर से हम लेके आ रहे हैं डॉग, तो वो उसी रास्ते पे है। तो पापा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको नए पप्पी से। एक नया सदस्य हमारे हमारी फैमिली में शामिल होने जा रहा है। ये सरप्राइज है अपने से, इससे पहले जो वीडियो आई थी वो सुमित भाई के साथ आई थी और उसी दिन मेरे को एक डॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और सुमित ने कहा कि भाई आपका ही डॉग है ये, आप नहीं लेना ये। और वो पहले बुक हो चुके थे पर फिर भी भाई ने कहा कि ये आपका ही है। भाई सुमित भाई देख लो, मेरे पापा ले रखे हैं, दिखा लो आप। ये है बच्चा, हो हमारा थोर है ये। कैसा लगा पापा, कैसा लग रहा है हमको? ये जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सुमित भाई की ब्रीडिंग है और अब एक बहुत अच्छी बात हुई है, डेली व्लॉग्स आएंगे। जिसने इसके डेली व्लॉग्स देखने हैं वो कमेंट करके बताना कि आप लोग चाहते हो इसके डेली व्लॉग्स, कैसे इसकी ग्रोथ होती है, कैसे इसे ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करेंगे। इसको डॉग शो में भी लेके जाएंगे हम साथ में, इसको प्रॉपर तैयार करेंगे। केसीआई रजिस्टर्ड है ये, सारी चीज कंप्लीट है इसकी। पेपर आ जाएंगे कितने दिनों में आ जाएंगे भाई? बस यही भाई, अगले 25 से 30 दिन बस ये पेपर आ जाएंगे और फिर इसको करते हैं तैयार। और ये बता दीजिए कितने दिन का है ये? ये है, ये आज 57 डेज का हो गया। 57 डेज का। और ये हाँ, ये बात जरूरी है क्योंकि मैंने पहले भी बताया, भाई ने भी बताया कि कम से कम 50 दिन का बच्चा ले हो आप। ये अपनी मदर के साथ था, इसकी मदर अंदर है, आओ दिखाते हैं। इसकी मदर भी दिखाएंगे आपको प्रॉपर। इसके पहली फर्स्ट वैक्सीन कैसे लगाई, कौन कौन सी? 7-in-1 लगवा दी है 45 डेज पे, जब अभी 21 डेज के बाद इसकी 8-in-1 हो जाएगी। हाँ, और इसके वो पपी डीपी लगी गई थी, इसके भाई ने लगाई थी। पपी डीपी डिवॉर्मिंग सब कुछ डन है, सब कुछ डन है और डन तो है ही, दिख ही रहा है वो। अब इसके अंदर एक्टिविटीज दिखाएंगे आपको, चलो। ये मदर है और ये इसका बच्चा है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये कहा था कि आप जो भी डॉग लेते हो उसकी मदर और फादर जरूर देखो और एक जेन्युइन ब्रीडर से ले हो। ये पेट शॉप वाले जो ये छोटी छोटी पेट शॉप खोल लेते हैं और उनके पास खुद की, ज़्यादातर मैं सबका नहीं कह रहा, ज़्यादातर लोग जो है ना उनके पास कोई ब्रीडिंग नहीं होती खुद की, वो फीमेल नहीं रखते, वो सिर्फ ब्रोकर का काम करते हैं, वो इधर से उठा के उधर से उठा के दे देते हैं बच्चा। तो ये फीमेल है, ये केसीआई रजिस्टर्ड है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें इनके बारे में सब बताया था। ये फीमेल है और ये इसका बच्चा है और क्वालिटी आप सब देख सकते हैं। और ये जो इसके जो बाल है ये हमने शेव कर दिए थे भाई ने, जब गर्मी ज़्यादा है ना इसलिए, ताकि तंग ना हो। और सब चीज़ कंप्लीट है और जिसको पता है ना क्वालिटी क्या होती है वो देख के बता देगा कि क्या चीज़ है ये। और ये बच्चे बाबा छोड़ना ही चाहिए नीचे, ये देखो। ओए, तो अब हम वापस अपने घर की तरफ जाने लग रहे हैं, घर जा रहे हैं। और जो जिसका वेट था, जिस मेंबर का वेट था वो हमारे साथ है, वो ये रहा। इसका नाम थोर है, थोर द रॉटवाइलर। ओए थोर, कैसा लग रहा है? अभी ये एकदम से कार में आया है तो इसलिए थोड़ा शांत बैठा है। घर जाके दिखाते हैं कैसी एक्टिविटीज करते हैं, कितना एक्टिव है ये। ठीक है थोर, चलें घर, चलो बाय बाय करते हैं। बाय बाय।
आज सेकंड डे है दोस्तों, कल थोर के आने की खुशी में। बाय द वे हमने थोर नाम सोचा है इसका, डॉग का, पपी का। अगर आपको कोई और सजेशन देनी हो तो आप वो दे सकते हो, जो अगर अच्छा लगा तो वो राम रख लेंगे। तो कल जैसे कि मैंने कहा कि थोर के आने की खुशी में मैं और वीडियो शूट ही नहीं कर पाया, इतनी खुशी थी कि मैं उसके साथ खेलता रहा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसी के साथ हमारे ब्लॉग की एंडिंग होती है, और जितने भी अब वीडियोस आएंगी आप लोग मेरे को सजेस्ट करना कि मैं आप कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो इसकी प्रॉपर डाइट की, जो हम इसको डाइट देंगे, और जो मतलब कि मेडिसिन, वैक्सीन, सब चीज। और सबसे बढ़िया बात, जो हमारा डॉग है ये KCI रजिस्टर्ड है, इसके पेपर्स आने वाले हैं, मतलब कि 30 या 40 डेज में आने वाले हैं, अप्लाई करे हुए हैं KCI में, तो इसके पेपर आएंगे, फिर हम इसे इसको प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसे डॉग शोज में भी लेके जाएं। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया, अगर आपको हमारा एक न्यू फैमिली मेंबर पसंद आया, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और वो बेल आइकन है उसे रिंग जरूर उसको दबा देना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो आ रही है। और ये चीजें सबको पता ही है कैसे करनी है, तो मैं बार बार अगले वीडियोस में, अगले व्लॉग्स में किसी को नहीं बताऊंगा। तो अपने आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और जल्दी से जल्दी करना ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए और आप सबको पता चले। इसी के साथ हमारे व्लॉग की एंडिंग होती है। थैंक यू वेरी मच।